थैंक सारे पहुंच चुके हैं एक और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु जी तुसी इत्थे पहुंचे हो सानू सपोर्ट करने लिए साडे लिए इही सब तों वड्डी ब्लेसिंग है सो जिन्ना भी थोड़ा धन्यवाद करे पूरी टीम उन्ना घट है जी थैंक यू सो मच मैं चाहूंगा जी असीं गलबात थोड़ा तों शुरू करिए सर तों पहले ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਚੈੱਕ 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 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ मेरे लिए मैं अपने आप को अज बहुत वधिया लग रहा जी क्योंकि प्रिंस नाल मैं किसी होर तरीके नाल साडा एक रिलेशन है बहुत अटैचमेंट है साडी आपस मैं भी ग्रोथ देखी है शुरू तो बहुत सालों तो कट्ठे सीगे लिखण तो लैके क्योंकि बहुत टाइम था मेरे नाल एज अ राइटर ही जुड़िया रहा बड़ियां फिल्मां फरार दे वेले मैं याद आ उधर दिन हुंदा सी अमरीका शूट करदे सी इधर रात हुंदी सी ये सारी रात जागदा सीगा भी उधर किसी कोई लैन की लौड़ ना पै जाए सो उदों तो कट्ठे हैं जी तो वार्निंग ने जिन्ना यदि लाइफ चेंज लैके आता मेरी लाइफ से भी लैके आता सानू पता नहीं कि प्रोडक्ट इतना भी चलनगे और लोग इतन चीज़ा भी पसंद करे और मैं उन्होंने हमेशा तो कहना सी मैं यार जो तू कोले बैठता ना मैं बड़ा इंट्रस्टिंग करैक्टर लगता हमेशा गल्ला बातें मारते हैं मैं जो स्क्रीन पर आना वो चीज़ क्यों नहीं निकल के आ रही फिर मैं रिलाइज किया थोड़ा उस कैटेगरी का एक्टर है हुण भी मैं क्योंकि मैं बहुत फिल्मां कीतियां बहुत काम किया इहदे नाल जदों ये पहले दो तीन दिन सैट पर रहिंदा ना तां इहनूं करैक्टर फड़न नूं इहनूं वक्त बहुत लगता क्योंकि उहदियां बड़ियां बरीकियां फड़नियां चाहुंदा बड़ियां चीज़ां ते जिहड़ियां पहलां इहनूं फिल्मां मिलदियां रहियां ने उह सारियां फिल्मां इदां दियां होंदियां सी वी इहनूं बेचारे नूं रोल ही तीन दिन दा मिलदा हुंदा जां तक रोल मुक जांदा जां तक फड़दा ही फड़न फड़ाउण नूं कुछ बचदा ही नहीं सीगा दो चार ही सीन हुंदे सीगे इधरों निकल गए उधरों निकल गए सो टच वुड अज बड़ी खुशी है जी बहुत अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है चेता सिंह तो मेरी बेस्ट विशेज ने सारी टीम को तो तुम जरूर सपोर्ट करो इस प्रोडक्ट की और वाहू मेहनत करे इदा के सबजैक्ट चलने चाहिए बट एक चीज़ मैं हमेशा कहना मैं क्योंकि मैं जो ट्रेलर देखिया क्योंकि इदा के बड़े ट्रेलर ने जोड़े आप फिल्मों देखते हैं जो वार्निंग वे भी प्रॉब्लम आई सी कि सर्टिफिकेट अडल्ट मिल जाएगा है ना ये मैं समझ नहीं लगी हैगी क्योंकि जो वार्निंग असी सेंसर करा गए तो उन्होंने सानू उ कहता भी ये तो अडल्ट है इन्हू तो अडल्ट ही मिलेगा तो असी बड़ी लड़ाई झगड़ा किया सेंसर नाल इतों गए तीन चार जने दो दिन बैठे तो कि फिल्मों के रेफरेंस कट्टे असी भी यार आह देखो तुम इन्हों अडल्ट नहीं दिता हो कहने जी वो रीजनल नहीं है वो पंजाबी नहीं गया मैं यार बंदे तो उही हैं असी साडे फिल्मां थोड़ियां चलदियां ने असी हिंदी फिल्मां पंजाब च इन्नी कलैक्शन करदियां ने थोड़ियां असी बैठ के देखते हैं सो वह एक जिहड़ा उत्थे जाके पंगा पैंदा वा पता नहीं तां वितकरा कह सकदे आपां पता नहीं की प्रॉब्लम आ इह वी इस चीज़ नूं सानूं थोड़ा जिहा लगदा कि मैं पहलां भी एक वारी इत्थे भी टॉक कीती सीगी सीएम साहब नाल भी टॉक होई सी उहनां ने भी कहा सीगा वी इत्थे सेंसर दा कुछ जुगाड़ लिआंदा जावे वी इत्थे सैटअप कीता जावे सो वह चीज़ां मैनूं लगदा होणियां चाहीदियां एफर्ट मारनी चाहीदी क्योंकि अद्धी कलैक्शन है जी इस चक्कर च मर जाती है वह फरार फिल्म के वे पहली बार हो लोग जो टिकट बुक करा लग रही बुक माई शो के उ लिखा जाता है भी तू 18 साल तो उत्ते है ये अडल्ट फिल्म आ सो लोगों को लगता है उदो आप ना ही सुनते ना अडल्ट फिल्म से पता लगता कोई गंदे सीन हो गए या कुछ है वो दो तीन सीन से चाकू वजदा खून निकल आता ब्लड के उत्ते ही आपको सेंसर उन्होंने अडल्ट देता सो वो चीज़ की जरूर मैं एक लगती है कि प्रॉब्लम क्योंकि इदा आदि चीज़ा आप घर बैठ के आम देखते हैं अच्कल तो एमेजॉन नैटफलैक्स नेरी पट्टी पई है यह चीज़ों की सो अडल्ट कुछ ना कुछ जरूर एफर्ट मारनी चाहिए है तो बाकी तुम सपोर्ट करो जी और ट्रेलर बहुत वो लग रहा है बेस्ट विशेज सारी टीम थैंक यू जी थैंक यू जी सत श्रीकाल जी सारे ये तो हम सारा पता ही है भी गिप्पी भाई जी ने मैं इस अपनी लाइन के मैं काफ़ी टाइम तो चलता आ रहा जी मोढ़े से चक के बिठाया हम फिल्म चेता सिंह 1 सितंबर में आ रही है तुम सारे ने जरूर देखने जानी है ये भैन भरा की कहानी है
भी एक किताबों की दुकान पर लग्या हुआ मुंडा है तो उसकी भैन है जिहड़ी खो खो की खिडारन है और सोचता भी ये को लाल बत्ती वाली गड्डी हो गई तो मैं डायरी चक के ये नाल नाल मीटिंग होर भी अफसर बने वी तो मुंडे की कहानी है ये पाले की कहानी है पाला चेता किवें बनता ये फिल्म देख के थोनों पता लगेगा तो तुम सारे ने जरूर देख जानी है ट्रेलर अज अपना रिलीज हो गया एक तरीक न एक सितंबर में आनी है फिल्म थैंक यू जी थैंक यू सो मच उसके बाद मैं चाहूँगा जी मैं इन सोनी पुलिस वाली नहीं देखी जी मैं कहना मेरा रोज ही चलाना हूँ दरवे जी इन्ने सोने पुलिस वाले होने बस मैं फीलिंग का इजहार नहीं करना मेरा जब भी मैं सब तो पहला तो सारे सत श्रीकाल बहुत बहुत थोड़ा सारे का धन्यवाद है तुम अपना इन्ना कीमती टाइम कट के तुम सारे इतने आए हो एंड चेता सिंह प्लस सितंबर में आ रही हो एंड मैं अपने आप में बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं इस फिल्म का हिस्सा बनी हूँ और क्योंकि पुलिस ऑफिसर का जोड़ा किरदार मैं कभी पहले प्ले नहीं किया तो मेरे लिए बड़ी माण वाली गल सी पंजाब पुलिस ने हमेशा देखी था सी उस गेटअप च आना फिर उ रोब रखना उ यू नो स्टाइल के काम करना तो बड़ा चंगा लगा तो मैं आशीष कुमार जिन्होंने डायरैक्ट की उन्होंने धनवादी हाँ राणा जी भी धनवादी हाँ जिन्होंने प्रोड्यूस की सुमित जी तो परवीर जी तो सारी टीम तो सारी स्टारकास्ट सर काम करके मैं बहुत चंगा लगा बहुत कुछ सीखने मिले तो बाकी मैम भी बैठे ने उधर सारे नाम मैं एक एक नाम बनाने कि बहुत टाइम लग जाएगा तो बट सारे लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दी उन्होंने इन्ना अपना सहयोग दिता और मेरा जोड़ा काम है वह मेरे लिए आसान हो गया सी करना सैट पर यदि शूटिंग अमृतसर वाल हुई है तो बाकी जिदा प्रिंस जी ने दसिया आ उन्हों की फिल्म आप देखी उन्हों का काम देखिए आप मैं भी उन्होंने काम की फैन हाँ हालांकि मैं इतना जॉनर देखती नहीं पर मैं कर लिया क्योंकि मैंने लगता है कि पंजाबी सिनेमा के इदा दिया फिल्म आनी चाहिए और गिप्पी जी उन्होंने बहुत सोहना उपराला किया वार्निंग अपने सारे के मूँह से यह नाम चढ़िया हुआ जिदे भी गल कर लो प्रिंस जी का काम तो बहुत मैं चंगा लगा कि मैं इस सारी टीम का हिस्सा बनी हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद गिप्पी जी का कि तुम अपना इन्ना कीमती टाइम कट के इतने आए हो सो बहुत बहुत मेहरबानी तो शुक्रिया सारे का पंजाबी फिल्मों में सपोर्ट करो पंजाबी जबान में सपोर्ट करो मेरा बस आही मैसेज है थैंक यू सो मच थैंक यू अच्छा जी पुरन साहब सत श्री अकाल जी सारे मैं इस गल की शुरुआत इतों करूँगा रॉकी मेटल दे विच एक मेरा छोटा जिहा सीन सीगा जिते मैं काफ़ी सालों बाद वापस रिंग दे विच जाना मेरा जूनियर मैं कहता कि सर स्टूडेंट्स सानू याद करते रहिंदे आ गेम नूं तुहाडी जरूरत आ मेरी एक ही लाइन आती है कि गेम नूं तां सारी जिंदगी देती उही हालत जिहड़ी सिनेमे नूं लैके आ मैं 69 तो सिनेमे का स्टूडेंट आ और जिहड़े पंजाब दे विच बॉम्बे तो पंजाब वापस आउण तो पहली जिहड़ी कॉल मैनूं आई वह प्रिंस दी सीगी लैदर लाइफ वास्ते उस तों बाद सारा कुछ चलता जा रहा और बड़ी खुशी है कि पंजाबी सिनेमा मतलब जिन्हों सिनेमे एज ए होल जो तुम दिलों चाहते जे और खास करके पंजाबी तुहाडी माँ बोली जी जिन्हों तुम शिद्दत ना चाहते जे वो सिनेमा ग्रो कर रहा हो तो बहुत ही खुशी की गल आ साढ़े को 100 करोड़ की फिल्म आ साढ़े को चेता सिंह वर्गिया एक्सपैरिमेंटल फिल्मा वा और मैनू पंजाबी सिनेमे का जिहड़ा भविख आ बहुत ही चंगा लग रहा बहुत ही उम्मीदा ये तो कि असी सिनेमा एज ए होल वर्ल्ड सिनेमा जिहड़ा वा उहदे नाल एट पार खड़े होण दे बिल्कुल लागे छागे पहुँच गए ये साडे वास्ते बहुत ही खुशी की गल है थैंक यू वेरी मच थैंक यू सर थैंक यू और मैं चाहूँगा जी साडे कैप्टन ऑफ द शिप डायरेक्टर साहब दो शब्द साडे नाल सांझे करन आशीष जी सत श्री अकाल जी सारयां नूं सब तो पहला तो जिन्नी भी मीडिया इत्थे हैगी आ जिन्ना करके प्रोग्राम रखा गया तो जिन्ना करके साड़ियाँ गल्लां जिहड़ियां अगे जांदियां पहुँचदियां तो जिन्हें भी लोग इत्थे आए हुए सारे का धन्यवाद तो स्पैशल थैंक्स गिप्पी गरेवाल भाजी जिहड़े
सारे ने हमेशा सपोर्ट करते थानू नजर आएंगे हर स्टेज पर प्रिंस भाजी तो साढ़े प्रोड्यूसर साहब जिन्ना बगैर ये गड्डी चलनी नहीं सी सुमित सिंह भाजी तो रणजीत सिंह भाजी सागर स्टूडियोज से नकाश फिल्म तो ये प्रोडक्शन तो ये फिल्म आ रही है जी चेता सिंह तुसी ये टीजर में बहुत ज़्यादा प्यार दिता है तो फिल्म एक डिफरेंट कैरेक्टर भी है जो तुसी पोस्टर से देख रहे हो करैक्टर बेसिकली डार्क साइड है तुसी ये जी पॉजिटिव साइड जो तुसी फिल्म देखोगे तो थानू जिदा कि भाजी ने दस्या कि यह भैन भरा की स्टोरी है ये फैमिली फिल्म आनू ए सर्टिफिकेट करके तुसी ए नहीं कह सकते कि आप ट्रेलर दे विच जिहड़ी चीज़ां देखियां ते सेंसर वाली गल जिहड़ी भाजी ने गल कही है गिप्पी भाजी ने वो सेम चीज़ मेरे नाल भी फेस हुई जदों मेरा उन्हां नाल मुलाकात हुई तो उन्होंने ये गल कही कि यार ये चीज़ां तो साउथ च हुंदी है तुसी पंजाब च इदां दी मतलब मूवी उत्थे तां बई कॉमेडी फिल्म या इदां दी फिल्म तुसी देखदे हो बई पंजाब दे विच इदां दी फिल्म मैं उन्होंने गल कही सर बई मेरी डेब्यू फिल्म आ तो मैं कोशिश की कुछ डिफरेंट करन दी ते ओही इहदे विच आपां कीता इहदे विच कोई भी इदां दा वायलेंट सीन इदां दा नहीं हैगा जिहड़ा असीं फैमिली नाल बह के नहीं देख सकते क्योंकि साडी सारी टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो जे तुसीं सानूं सपोर्ट नहीं करोगे तो असीं डिफरेंट सिनेमा किदां बनावांगे बई इक्को जॉनर की फिल्म आपां करदे रहांगे तो ऑडियंस नूं डिफरेंट सिनेमा देखण नूं कदों कु मिलेगा तो उन्होंने इस गल्ल नूं मैनूं ये गल कही कि बई मैं थोड़ी इस गल्ल नूं मतलब मैं मनदा तो उन्हां चीज़ां ते गौर किया जा रहा है तो साडी फाइट जारी है तो बाकी गल है कि फिल्म तुसीं वेखोगे तुहानूं मज़ा आऊगा फिल्म वेख के तुहानूं डिफरेंट टाइप का ये करैक्टर जिहड़ा प्रिंस भाजी ने किया तो भाजी ने थानूं भाजी की गल दसा तो भाजी ने पूरी डेडिकेशन नाल फिल्म नूं किया तो कुछ सीन इदा के भी है जिहड़े मैं तुहानूं दसा तो भाजी ने मैं इन्हां नूं गल कही सी कि भाजी मैनूं इदा की रॉ लुक चाहिए थोड़े बाल इदा के चाहिए ने या तुसीं फिल्म दे विच आ चीज़ कैरी करनी है तो भाजी ने मैनू आके तीजे दिन ये गल कही मैं कहा भाजी थोड़े बाल मतलब तुसीं लुक इन्नी ज़्यादा मेनटेन कर रहे हो भी मेकअप आर्टिस्ट बहुत सोहना काम कर रहा है तो मैनू इन्हां दे जिहड़े मैनेजर ने चीमा भाई उन्होंने गल दसी कहिंदे भाजी ने बाल नहीं धोए चार दिन बई भाई नहाते नहीं तो मैनू वह गल भाजी सच्ची तुहाडी डेडिकेशन नूं सलाम आ सारी टीम जपजी मैम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इहदे विच तो महावीर पुल्लर भाजी जिन्हें भी साड़ी सारी कास्ट है मैम साढ़े बैठे ने नैशनल अवार्ड विनर बलजिंदर मैडम जी बहुत घट लोगों पता है सू बार बार दसना पैंता है मैम ने बहुत ज़्यादा ये मैं मैं सीखने मिले एज ए डेब्यू फिल्म मेरे लिए बहुत सौखा सीगा इन्ना इन्नी वधिया स्टारकास्ट नाल काम करना लेकिन डिफिकल्ट सीगा शूट जिहड़ा असीं कीता इहदे विच बहुत ज़्यादा मेहनत लगी सैट दे वेले सानू बहुत डिफिकल्टीज आई विंटर करके भी तो साडा जिहड़ा सैटअप तुसीं इहदे विच देख रहे हो हड्डा रोड़ी का जिहड़ा सैटअप क्रिएट किया साडी आर्ट डायरेक्शन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की इहदे विच ते सारे नू थैंक्स जी फिर लास्ट टाइम कह रहे कि गिप्पी भाजी ने जिहड़ी गल कही है जिहड़ी भी ये सेंसर वाली गल है ए सर्टिफिकेट का मतलब यह नहीं होंदा कि एडल्ट मूवी जिहड़ी असीं देखदे ते सुन के साडे कन्न खड़े होंदे कि एडल्ट मूवी है इहदे विच कुछ सीन इदां दे हैगे आ जिहड़े उन्हां नू लगे कि इह इदां दे है बट उह है नहीं इदां दे उहदे विच ब्लड है ब्लड दे शॉट्स ने ते उह तां आपां आम फिल्मां च देखदे किन्नी फिल्मां आ रही जिहड़ियां यूए दे नाल रिलीज हो रही हैं साउथ दी मूवियां बॉलीवुड दी मूवियां ते असीं भी उही करन दी कोशिश कीती है थैंक यू सो मच सारयां दा तुहाडा सारयां दा तुसीं आए ते तुसीं देख रहे हो थैंक यू सो मच आ मैम तुसीं प्लीज एक मिनट अच्छा हुण वीरो तुसीं आए नहीं कह देना भी ए सर्टिफिकेट मिल गया ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਰੱਖੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਏ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਮਝੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਚਾਰ ਦਿਨ ਨਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦਾ ਨਾਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈਨਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਚਕਨਾਂ ਉਚਕਨਾਂ ਪਵਾਉਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਹਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫੈਕਟ ਆ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ ਸੈੱਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ
ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਘੁੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਲਾਇਓ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯੂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉਮੀਦ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਸੋਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਪੀਣੀ ਗਲਤ ਸੁਣ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭਾਈ ਫਲਾਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖੜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਕ ਰਿਹਾੜ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੋਤਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਉਮੀਦ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਯੂਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰ ਕਰਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਰਾਇਆ ਸੈਂਸਰ ਯੂਕੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ 14 ਮਿਲਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੇ 15 ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਉਹ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਇੰਡੀਆ ਯੈਸ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੂੰ 18 ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਏ ਲੈ ਲੈਣਾ ਯੂਏ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਗਾ ਸਟੂਡੀਓ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਦਿਸ ਫਿਲਮ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਅਤੇ approximately we are releasing this film in 10 countries including India and to bhai jado film release hoegi to us samay bhai cinema listing share karenge thank you bola sat sri akal ji sareyan nu main vi eh mere kann ch paya siga teaser nu dekh ke kuch lokan ne kiya ki shayad eh kuch ide vich violence hai ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 100% ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਮੈਡਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਵਾਰਡ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਐਫਰਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਅਵਾਰਡ ਲਈ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 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 ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਅੱਛੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਲਦੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆਪਾਂ ਵੱਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵੱਟ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੈਡਮ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਮੈਡਮ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਬਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਦੇਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਬੈਸ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਬੈਸ ਸੀ ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਾਰਨਿੰਗ 2 ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵੀ ਅਜਾਲੀ ਫਿਲਮ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਦਿਨ ਆਹੀ ਟੋਪਿਕ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਕੁ ਐਕਟਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਈ ਫੇਵਰੇਟ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਿਓ ਜੀ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰਾਂ ਦੀ ਟੋਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੈਂਸਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕੱਢਣ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਬੁਰੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਪੰਮਾ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰਾ ਡੈਬਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਗਿੱਪੀ ਸਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਰ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੋਥ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵੀ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਚੇਤਾ ਸਿੰਘ 'ਚ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਵਰਜੀਤ ਸਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਇਮੋਸ਼ਨ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਜ਼ਰ 'ਚ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਦੇਖਿਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਉਹ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਗੈਨ ਯੈਸ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ ਇਟ ਐਨੀ ਹਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟੋਪਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਡਰੋਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਆਲਵੇਜ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਵੀ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਬਟ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਸਟ ਥਰੂ ਯੂ ਆਫਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ
सो जस्ट सी द मूवी, इट इज़ ब्यूटीफुल, बहुत सोहने तरीके सारिया चीज़ों को प्रजेंट किया गया है। साडे डायरेक्टर साहब बंटी वन टेकर, ही हैव डन द बेस्ट जॉब, एंड सारे ही कास्ट, जिनी भी कास्ट है, अमेजिंग, सारे ने ही बहुत सोहना काम किया है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। सत श्री अकाल जी सारे नूं, 1 सितंबर नूं चेता सिंह रिलीज़ हो जानी आ। साडा सबब इदां बणिया कि जिवें मैं भी वॉर्निंग दा पार्ट सीगा, प्रिंस विरे थ्रू चेता सिंह च एंट्री हुई, फिर सारी सीनियर कास्ट एरविन सारे जुड़े है ना। चेता सिंह के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो एक कलम हथ च रखने वाले बंदे दे कृपाण आउंदी है ना हथ च, भी उदू बाद फिर कोई गुस्से का सर्टिफिकेट नहीं रहिंदा। वो हुण होया क्यों, उहदा हसदा वसदा परिवार किवें उजड़िया, क्यों वह उस पीक ते गया, तो उस पीक ते जाके उन्होंने वह बंदे नूं की सबक सिखाया, ये सारा कहानी का एक पार्ट हैगा। स्क्रीन प्ले कहानी का इन्ना क खूबसूरत है कि कड़ियाँ इस तरीके जुड़िया हुई हैं कि तुम बहुत इंजॉय करोगे उस चीज़ को। सो तुम सारे ने चेता सिंह 1 सितंबर को प्यार देना जी, थैंक यू। सत श्री अकाल जी सारे नूं। सब तो पहला तो मैं शुक्रिया करना चाहूँगी प्रिंस भाजी का और आशीष सर का, जिन्होंने मैनू इन्ना ज़्यादा वधिया करैक्टर करन दा मौका दिता। मतलब जिहड़ी एक एक्टर की भुख हुंदी है उस तरीके का करैक्टर करना जिहदे लई तुसी तरसदे हो कि मैनू इहदे विच कुछ एक्सप्लोर करन दा मौका मिलेगा, तो वह मेरा सपना पूरा किया आशीष सर ने, प्रिंस भाजी ने। तो प्रिंस भाजी मतलब मैं शायद उन्होंने भी नहीं मैं दस्या कि जो मैं उन्होंने फिल्मा देखती सी तो मैं मम्मा हमेशा कहती सी कि मम्मा मैनू इदा की फिल्म करनी है जिदा भी प्रिंस भाजी फिल्मा करते हैं, जिदे इमोशन के नाल नाल एक्शन भी हो, मैनू बहुत कुछ एक्सप्लोर करन दा मौका मिले। तो मतलब बाय गॉड्स ग्रेस उन्होंने भी मैनू काम करन दा मौका मिलिया। तो आशीष सर बारे मैं जरूर मैनशन करना चाहूँगी कि मैं बहुत जिदा डायरेक्टर्स नाल काम करया है, तो ही इज़ वन ऑफ द कूलेस्ट डायरेक्टर्स आई हैव वर्कड विद। मतलब जे तुसी एज एन एक्टर उन्होंने नाल काम कर रहे हो, थानू कोई टेंशन नहीं हुंदी कि तुसी सेट पे थानू कोई प्रॉब्लम आऊगी डायरेक्शन टीम वालों या अपनी एक्टिंग च कोई कमी, क्योंकि वो थानू बहुत रिलैक्सड रखते हैं। जो मैं उन्होंने काम करती सी, पहली गल तो वो खुद इन्ने डेडिकेटेड डायरेक्टर ने, मैं उन्होंने वेख्या कि जो साढ़े सर ब्रेकफास्ट करते सीगे, उस तो बाद सीधा डिनर करते सीगे, सारा दिन आप खड़े पैर ते। मतलब एक्टर्स नूं फिर भी टाइम मिल जांदा सीगा विच ब्रेक दा, खाना खाण दा, लेकिन सर ब्रेकफास्ट तो लैके डिनर तक सिर्फ अपने शूट ते कैमरे नाल हुंदे सीगे। ते दो दो दिन तक सर सौंदे ही नहीं सीगे, दो दो दिन तक नहीं सौंदे सीगे। इन्ने वधिया डायरेक्टर साडी पंजाबी इंडस्ट्री नूं मिलने बहुत वड्डी गल है। ते मूवी जिहड़ी चेता सिंह हैगी है उहदे विच तुहानू एक सेंसिटिव इशू देखण नूं मिलेगा, ते मैनूं बहुत खुशी है कि पंजाबी इंडस्ट्री दे विच वी इदां दे टॉपिक्स नूं हुण अगे लिया जा रहा है। ते उम्मीद करदे हां कि तुहानू मीडिया नूं ऑडियंस नूं सब नूं इह वधिया लगेगी। थैंक यू। थैंक यू। आपां क्वेश्चन लैणे दी वारी वारी दा। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। अनेकी ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਰ ਵੇਖੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਹੋ ਤੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚੇਤਾ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਐਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰੋਲ ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਗਿੱਪੀ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜੋਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਵੇਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਲੀਹ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ECG ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਂ ਜੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛਾ ਆਹ ਆਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੋੜਦਾ,
ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਂਪਲੋਇਡ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਸ मेनू कले लगता चलूगा और तुम मैं दसा उ जो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी जो भी कोई गल्ला बात होंगे ने तो पांच सात चीजा पक्या हो गई ने साड़ी फिल्म बड़ी डिफरेंट है असी इस बड़ा कुछ नवा किया कुछ नहीं नवा यार की गल है नवे नवे की गल थोड़ी है गल फिल्म जी बिठाई चल रही है वो थोड़ा एंटरटेन कर रही है कि नहीं कर रही कॉमेडी है इमोशन है या फलानी चीज़ है लोग मैनू कह देंगे कई बार तू ज्यादा कॉमेडी बना कट के देख लो मैं ही दूजिया बनाई ने सब तो वह जो 100 करोड़ वाली मेरी है मेरी फ्लॉप भी गा देने वो रीजन की है कि मैं एक्सपैरीमेंट किए मैं चीज़ा मैं डिफरेंट बनाई इन्होंने एक चीज़ की बड़ी सपोर्ट की मैं इन्होंने कहा मैं यार आप इदा की फिल्म बनाने तो आप चीज़ करते हैं मैं इन्होंने बैठे इन्हों कहानी लिखी स्टोरी जब लिखी गई वो मैंने याद आ अमर डायरेक्टर से पहले बंदे से पहली वार्निंग वे इन्होंने को बहुत छोटा बजट से दूजी वार्निंग वे इन्हों का बजट बहुत बड़ा हो गया फिल्म बहुत बड़ी बनी मेरे को आए मैंने कहते जी अपना इन्ना बजट आ हरदीप वीरे डिस्कस किया सानू इन्ने पैसे होर चाहिए ने मैं कह जी ओके मैं कह जी कहते पर असी एक्सट्रा नहीं खर्चा रहे सारे यूनिट दियाँ नो वैनिटी वैना नो रिक्वायरमेंट्स अभी सब बंद करती उन्होंने दूजी फिल्म मिले इन्होंने सारिया चीज़ा मिल रही सी इन्होंने तां भी लिया क्योंकि इन्होंने प्रोडक्ट वधिया बनाउणा सी जदों अपना थॉट प्रोसैस ये बन जाए ना कि आप फिल्म राइट बनानी है एक एक जो आर्टिस्ट कई आर्टिस्ट सैल्फिश हो जाते हैं जो वो चीज़ा निकलन तो देखो पहली वार्निंग मैं लिखी सी पर मैं रोल लिखा मैं अरदास लिखी थी रोल को क्यों नहीं दिता सो जो तुम ऑनेस्टी काम करते हो मैंने कई बंद ने पूछे तुम अरदास आप रोल क्यों नहीं किया मैं क्या जी मैं एज अ डायरैक्टर एज अ राइटर मैं नहीं लगता सूगी भाजी बैटर जस्टिफाई कर सकते हो रोल ही उन्होंने बनाया हुआ सो वार्निंग का पहला बड़े ही दिल ही सो वो चीज़ा जो आप 100% राइट करते हैं फिर नहीं मैंने पूरा यकीन से चलूगा सो वो कई बंद का यकीन है जो हम भी कई कहते हैं भी यह नहीं किए चल गई सो उन्होंने ये एग्जाम्पल ने सो कहने का मतलब ये बंदा करने वाला चाहिए सब कुछ है हाले तो इन्हें रोमांटिक फिल्म चला तो मेरे अंदर बड़ा कीड़ा सीगा भी यार शाहरुख खान वांगू थोड़ा जहा माहौल उस्ताद ने ऐसे कहता हुण होगा काम में देखो भाजी सब तो पहला तो फिल्म की कास्टिंग चैलेंज हो जाती है एक डेब्यू डायरेक्टर लिए बट तो दूजा बजट मेरे जोड़े प्रोड्यूसर से सुमित भाजी तो रणजीत भाजी इन्होंने सब तो पहला तो मेरी वो टेंशन मंगाती वो कहते तू काम कर यह सब तो प्लस पॉइंट सेगा दूजा सेगा स्टार कास्ट जी स्टार कास्ट सी मेरे को जो मैं प्रिंस भाई में मिले इन्होंने जो साड़ी गलबात हुई तो इन्होंने मेरे नाल बिहेव नहीं किया कि तू एज ए डेब्यू डायरैक्टर काम कर रहा हालांकि मैं गाने किए हैं एज ए कोरियोग्राफर मेरे ख्याल नाल 2000+ गाना होना मेरा तो मेरे लिए डिफिकल्टी शूट दी कास्टिंग या बजट इन्हां चीज़ों नहीं सी मेरे लिए डिफिकल्ट सीगा उस चीज़ नूं शूट करना जिहड़ा कदे पहला नहीं होया भाई हड्डा रोड़ी आपां गल्लां च सुणीए आपां कदे विजुअली उहनूं देखिया नहीं बहुत पिंडां च हुंदा गेड़े च कोई चल जांदा होना सोचो एक बंदा होना है ना तो मेरे लिए उहदा सैटअप जिहड़ा क्रिएट करना सीगा उह इदां दा लगे कि उह नकली होण दे बावजूद भी असली लगे उस थां ते काम करना उह सैटअप क्रिएट करना विंटर च शूट सीगा साडा दिसंबर एंड च ते उह जिहड़ा माहौल सीगा पूरा बहुत डिफिकल्ट सीगा शूट का ते सारी चीज़ें मैंने आर्टिस्टा ने बहुत सपोर्ट की भाजी ने वड्डे भरा वांगू मैंने सपोर्ट किया कि तू दस कोई प्रॉब्लम नहीं है एक आर्टिस्ट जरा फेस करना पैंता डेट्स मेरे को भी इशू नहीं सीगा क्योंकि इन्होंने कहा फिल्म वधिया बन रही है सानू तीजे दूजे तीजे दिन ही एज एन आर्टिस्ट पता लग जाता कि कितों चल रहा है डायरैक्टर या स्क्रिप्ट किदा चल रही है
तो इन्होंने मैं सपोर्ट किया तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं सी। साडा शेड्यूल भी 27-28 दिन का सीगा स्टार्ट, वो तकरीबन 40 दिन का होया अगे जाके, क्योंकि फिल्म के बहुत सारी चीज़ें इदा दी सी जिन्हों टाइम लगता से, क्लाइमैक्स में बहुत टाइम लग गया। तो डिफिकल्ट भाजी, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बट जब तुम चैलेंज लैन लग जाते हो ना भाजी, जिदा कि गरिमा ने कहा कि तुम बिना सोए ब्रेकफास्ट करते थे, रात को डिनर करते थे, 16-16 घंटे भाजी उन्होंने काम किया मेरे न प्रिंस भाजी उन्होंने सैट पर, 12-11-12 घंटे की शिफ्ट होंगी है साड़ी। तो जो आर्टिस्ट थोड़े लिए इन्ना खड़ते हैं, थोड़े प्रोड्यूसर्स थोड़े लिए खड़ते हैं, गिप्पी भाजी भी प्रोड्यूसर तो डायरैक्टर तो स्क्रीन राइटर है ना भाजी ने सारा काम किया हो, जो ये सारी टीम थोड़े नाल खड़ती है ना तो डिफिकल्ट भाजी कुछ नहीं रह जाता। तो मेरे लिए तो मैं इंजॉय किया बहुत, मेरा डेब्यू आ, बट कोशिश यही रहेगी कि अगे भी तो ये भी जिदा मैं डिफरेंट किया काम, तो मैं डिफरेंट ही करने की कोशिश करूँगा जो मैं कोई नैक्सट प्रोजेक्ट मिलता है। थैंक यू। जिन्होंने चेता सिंह देखनी एक सितंबर को देख लो, इन्हों का कोई भरोसा नहीं फिल्म फिल्म पा दो जी बाद सिनेमे च देखा करो, बाद लेट आदियां कई बार एहियां चीजां हो जांदियां, पर सिनेमे च देखनी चाहिए। मैं तो हुण कह नहीं सकदा मेरे लिए पहले सिनेमे चल रही है। थैंक यू।